नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बीटाडीन गार्गल का उपयोग किन कंडीशन में किया जाता है, बीटाडीन गार्गल का उपयोग कैसे करना चाहिए और बीटाडीन गार्गल की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और ये डिस्कस करेंगे कि बीटाडीन गार्गल का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशन में बीटाडीन गार्गल का उपयोग करना रिकमेंडेड नहीं होता है। बीटाडीन गार्गल का उपयोग मुंह और गले में इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है, जैसे मुंह में छाले होने पर, गले में खराश होने पर, मसूड़ों में इन्फेक्शन या सूजन होने पर आदि कंडीशंस में बीटाडीन गार्गल का उपयोग किया जाता है। बीटाडीन गार्गल का उपयोग दांतों के प्रोसीजर या मुंह की सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद इन्फेक्शन को रोकने के लिए और इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी आपका डॉक्टर बीटाडीन गार्गल का उपयोग करने की सलाह दे सकता है। बीटाडीन गार्गल एक एंटीसेप्टिक दवा है जो उन सभी वायरस, फंगी और बैक्टीरिया को मारती है जो इन्फेक्शन पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मुंह के अंदर कोई चोट लगने पर या मुंह के अंदर कोई घाव होने पर भी आपका डॉक्टर बीटाडीन गार्गल का उपयोग करने की सलाह दे सकता है, क्योंकि बीटाडीन गार्गल रिकवरी प्रोसेस को तेज कर देती है और घाव को जल्दी ठीक करने में मदद करती है। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस होने पर भी बीटाडीन गार्गल का उपयोग किया जाता है। हमारे गले में पीछे की तरफ दोनों साइड एक एक टॉन्सिल होते हैं और टॉन्सिलाइटिस होने पर उनमें सूजन हो जाती है। टॉन्सिलाइटिस होने पर गले में खराश और निगलने में परेशानी हो सकती है। टॉन्सिलाइटिस वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है और टॉन्सिलाइटिस होने पर आपका डॉक्टर अन्य दवाओं के साथ बीटाडीन गार्गल को दे सकता है, जिसकी वजह से ठीक होने की रिकवरी प्रोसेस तेज हो जाती है। बीटाडीन गार्गल के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट पोइडोन आयोडीन 2% होता है। अब हम डिस्कस करें कि बीटाडीन गार्गल का उपयोग कैसे किया जाता है। 5 से लेकर 10 ml बीटाडीन गार्गल के सॉल्यूशन को आपको एक कप में डाल लेना चाहिए और आपने जितनी मात्रा में बीटाडीन गार्गल के सॉल्यूशन को लिया है उतनी मात्रा में आपको उसमें पानी मिला लेना चाहिए। पानी मिलाने के बाद उस सॉल्यूशन को मुंह में अच्छी तरह कम से कम 30 सेकंड के लिए घुमाना चाहिए और अच्छी तरह कुल्ला करने के बाद आपको उस सॉल्यूशन को बाहर की तरफ थूक देना चाहिए। ऐसा आपको दिन में 3 से लेकर 4 बार करना चाहिए, या आपके डॉक्टर ने जितनी बार ऐसा करने की सलाह दी है उतनी बार करना चाहिए। आपको बीटाडीन गार्गल से मुंह को साफ करने के बाद 30 मिनट तक कुछ खाना या पीना नहीं चाहिए और न ही स्मोकिंग करनी चाहिए। अब डिस्कस करें कि बीटाडीन गार्गल की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो बीटाडीन गार्गल की वजह से ज्यादातर व्यक्तियों में कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों में बीटाडीन गार्गल की वजह से जलन, इचिंग और इरिटेशन हो सकती है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मुंह में बीटाडीन गार्गल से कुल्ला करने के बाद उस सॉल्यूशन को बाहर की तरफ थूक देना चाहिए और उस सॉल्यूशन को अंदर की तरफ निगलना नहीं चाहिए। अब हम डिस्कस करें कि बीटाडीन गार्गल का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशन में बीटाडीन गार्गल का उपयोग करना रिकमेंडेड नहीं होता है। थायराइड की बीमारी और किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए बीटाडीन गार्गल का उपयोग करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए किडनी की बीमारी और थायराइड की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को बीटाडीन गार्गल का उपयोग डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बीटाडीन गार्गल का उपयोग करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बीटाडीन गार्गल का उपयोग डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। लगातार 15 दिन से अधिक बीटाडीन गार्गल का उपयोग करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना लगातार 15 दिन से अधिक बीटाडीन गार्गल का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं बीटाडीन गार्गल का उपयोग कर सकती हैं या नहीं। वैसे गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए बीटाडीन गार्गल का उपयोग करना सुरक्षित है और बीटाडीन गार्गल गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को किसी भी दवा को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को बीटाडीन गार्गल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका बीटाडीन गार्गल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।